देख कितना गंदा पानी निकल रहा है, काला पानी निकल रहा है। हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज जैसे आपको पता हमने पिछला व्लॉग यही एंड किया था और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने बादशाह के पास। भाई हालत इतनी ख़राब है ना भाई, इतनी ख़राब है कसम से, ये नहीं है कि अपने आप पे शर्म आ रही है, हालत में छोड़ा ही नहीं भाई। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन बंदों ने मतलब लेनी थी उनने खुद ही धोखा किया, उन्होंने बोला आप खाली रखो गाड़ी हमारी नाम हो गई ये वो, तो हम आपको जल्दी जल्दी पेमेंट डाल के उसके बाद हम गाड़ी लेंगे। उससे पहले भाई मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक बात, काफ़ी भाई बोल रहे हैं राजा भाई आप बोल रहे थे 14 चक्का, भाई मैंने 14 चक्का बुक करवाई थी, बुक करवा के मैंने बुकिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि भाई यही गाड़ी मेरे लिए सब कुछ है। अब नहीं बेचना कुछ भी नहीं, अब नाम तक नहीं लेना, मतलब देना ही नहीं है बादशाह, क्योंकि इसी ने मुझे नाम दिया, यहाँ तक पहुँचाया, सब कुछ किया। तो चलो पहले अभी गाड़ी की बैटरी वगैरह का कनेक्शन ऑन करते हैं, देखते हैं स्टार्ट हो पाती है नहीं, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए भाई गाड़ी खड़ी की हुई है। और आप सोच रहे होंगे 1.5-2 महीने कैसे व्लॉग तो पहले आते हैं, भाई व्लॉग एक्चुअली थोड़ा लेट ही डालता हूँ। तो चलो सबसे पहले गाड़ी की कनेक्शन ऑन करते हैं, इंजन ऑयल वगैरह हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था, चेक कर लिया था, तो अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। एक बार स्टार्ट हो जाए भाई फिर आराम से लेके जाएंगे, पहले इसकी वॉशिंग वगैरह करवा लेंगे, वॉशिंग करवा के फिर कल सर्विस के लिए लगा देंगे। चलो शिवम भाई देखते हैं फिर स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि हमने कनेक्शन वहाँ से बंद किया। अल्ताफ भाई फ़ोन कर रहे हैं, अल्ताफ भाई से बात करता हूँ। हाँ जी भाई जान निकल गया उधर से? नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ तो गाइस कनेक्शन तो आ गया भाई, अब लगाते हैं सेल्फ, रब का नाम लेके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो पाती है या नहीं। हाँ क्या बात है, क्या बात है भाई, हो चुकी है। और गाइस ये वाली चीज देख रहे हो, अब ये नहीं बोलना कि राजा भाई इतना गंद वंद डाला हुआ है, भाई देखो सारा सामान यहीं पड़ा था, जिस दिन हम गए उस दिन बंदू ने बोला गाड़ी आप यहीं रोको गाड़ी हमारी हो गई ये वो, उन्होंने बड़ा कुछ बोला था भाई। तो गाड़ी हमने उसी दिन रोक ली थी, हमने चलाई नहीं गाड़ी, क्योंकि भाई अगर नाम ले लो ना गाड़ी का किसी को देने का तो फिर उसके बाद ना उसको चलाना नहीं पड़ता भाई, ये वाला नुकसान नहीं होना चाहिए था यार। देख रहे हो और यहाँ देख रहे मिरर पे कितने मच्छर मरे हुए हैं। तो भाई मेरी गाड़ी का तो सीन ऐसा ही हुआ था, अब बता देता हूँ, चाचू की गाड़ी भी यही खड़ी है, देख रहे हो भाई हाफ पेमेंट हुई है इसकी और गाड़ी पे फाइनेंस ही नहीं भाई ने उनकी, मतलब देखो भाई जो बंदा गाड़ी के लिए आता है ना उसको पहले देखना चाहिए कि मैं डिफॉल्टर तो नहीं हूँ बैंक का, अगर डिफॉल्टर है तो वो मत आओ गाड़ी के लिए। और काफ़ी भाई बोल रहे हैं चाचू की 12 टायरी यहीं खड़ी है भाई, देख रहे हो यहीं खड़ी है। तो चलो प्रेशर वगैरह बन जाए भाई फिर यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे सर्वर स्टेशन, वहाँ गाड़ी की वॉशिंग वगैरह करवा लेंगे भाई, फिर मिलेगा मुझे सुकून। तो भाई अपना प्रेशर हो चुका है फुल, तो चलो बादशाह को पहले आगे चलाते हैं फिर भाई पीछे करेंगे, हमेशा गाड़ी सब पहले फ्रंट में थोड़ी चलाते हैं बैक करना चाहिए। चलो जी शिवम भाई आप पीछे देखना, पहले वॉश तो करा लो फिर चलाएंगे। तो भाई चलो चलते हैं पहले इसको वॉशिंग पर लगाते हैं, वॉश करके चला लेते हैं, उसके बाद शो में देखेंगे अपना वॉश है, फिर मैं ड्राइव करेगा देखेगा कैसा लगता है। चलो शो में अब इसकी होगी वॉशिंग कर दो हमारी, कोई बात नहीं करती है। कितना टाइम लगेगा? कोई आधा पौना घंटा, जल्दी कोशिश करना जल्दी हो जाए।
भाई कर ली पार्क अपना बच्चे यहाँ पे और वॉश करवाएंगे, उसके बाद अपने दिल को सुकून मिलेगा। उससे पहले अपने भाई हैं, भाइयों से मिलते हैं, फिर देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट प्लान क्या, क्योंकि अल्ताफ भाई भी आ रहे हैं ना, अल्ताफ भाई का वेट करेंगे। परसों कहीं से दौड़ रहे थे मैं एक्चुअली गाड़ी का मैंने मतलब दे दी थी बंदे को, तो कम से कम 1.5-2 महीने हो गए गाड़ी खड़ी रखी। अब उसने बोला कि मेरे नाम का फाइनेंस में डिफॉल्ट है, मैंने बोला 2 महीने से मैं थोड़ी खड़ी रखूँगा, फिर मैंने ना वो कैंसिल की, अभी निकाल के लिया है, वो डिफॉल्ट है ना बैंक का, मतलब उसना उसके नाम केस नहीं हो रहा है बैंक केस, तो वो गाड़ी नहीं ले सकता। फिर अब मैंने चाचू के घर खड़ी रखी थी वहाँ पे, यहाँ पर पार्किंग में, वहाँ से लगा कि मैं पहले बोल रहा हूँ उसको वॉश करवा दो ना, फिर यहाँ से फोन मिलेगा, हालत ही खराब हुई है। भाई ने वॉशिंग स्टार्ट कर दी, पहले देख रहे हो अंदर से फर्श वगैरह धो रहे हैं, और भाई फर्श पे आपको दिखा देते हो हालत, देख रहे हो पत्ते गिर गिर के ना बुरी हालत हुई है, देख रहे हो भाई। भाई ने बोला कि राजा भाई पहले स्टार्ट करते हैं अंदर से ही, और भाई पहले मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे यार मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं ऑलरेडी, तो हम वॉश नहीं करेंगे। फिर चाचू ने फ़ोन वगैरह किया, क्योंकि चाचू की गाड़ियाँ ना पक्की यहाँ से वॉश होती हैं, चाचू ने फ़ोन वगैरह किया कि यार आज तेरे पास गाड़ियाँ हैं तो कल नहीं आएगी, बहुत दूर से गाड़ी आई है, तो भाई चलो जल्दी से जल्दी पहले वॉशिंग हो जाए। भाई मिट्टी देख रहे हो, ये वाली चीज़ देख रहे हो भाई, हालत ही ख़राब है। तो अल्ताफ भाई आ जाएं भाई, अल्ताफ भाई बोल रहे हैं कि राजा भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है आपसे, अल्ताफ भाई आ जाएं, फिर देखते हैं भाई को क्या काम है। तो भाई मैक्सिमम अपनी वॉशिंग हो चुकी है भाई, दोनों साइडें हो चुकी हैं, सिर्फ फ्रंट रह गई और थोड़ी ऊपर से टूल वगैरह, क्योंकि भाई टूल में ना पेड़ के पत्ते वगैरह गिरते रहे, उसकी वजह से ना टूल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। अभी मैंने सामान वगैरह उठा लिया, तो भाई दिखा देते हैं आपको, देख रहे छत पर आ गए वीडियो शूट करने के लिए, देख रहे टूल पे ना बहुत ज़्यादा गंद था भाई, तो चलो फ्रंट शो रह गई है, बाकी सारी वॉशिंग हो चुकी है। तो गाइस चलो पहले वॉशिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए, फिर गाड़ी में कपड़ा वगैरह मारेंगे, शो वगैरह साफ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे गाड़ी शाम को ही कंपनी के अंदर एंट्री कर लेंगे, और क्योंकि एंट्री हो गई तो सुबह टेंशन नहीं होगी अपना नंबर लगेगा नहीं लगेगा, कल गाड़ी की ना 100% सर्विस होनी होनी है भाई। अभी अपनी गाड़ी की वॉशिंग चल रही है भाई, क्योंकि शो वगैरह भाई ने धोई नहीं, और शिवम भाई को बोलते हैं बाय 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 शिवम भाई, क्योंकि भाई को जाना है और भाई की सेहत ठीक नहीं है। और यहाँ देख रहे हो अपने साथ कौन है, दिखा दे भाई, गैस करो गैस करो गैस करो, अल्ताफ भाई आ गए अपने पास। तो अभी मैं और अल्ताफ भाई जा रहे हैं कहाँ पे, नरवाल, क्योंकि भाई जेसीबी की बॉकेट भाई ने लानी है, मैंने बोला यार मैं यहाँ क्या करूँगा भाई, तो हालत तो अपनी खराब है, मतलब बाल वाल खराब हो चुके हैं, चलो इन बालों को इग्नोर करो अभी, और एक इसकी हालत अल्ताफ भाई ने बोला था राजा भाई तेरे से कुछ बात करनी है, बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, अब देखते हैं भाई क्या बात करनी है क्या नहीं, चलो वो भी बताएंगे आपको, सरप्राइज है हाँ आपके लिए सरप्राइज है, वो क्या करना है क्या नहीं भाई अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या बात है, भाई बोल रहा सिर्फ तेरे लिए सरप्राइज है सरप्राइज है। तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं, पहले सीधा पहुँचते हैं नरवाल में, वहाँ से बागेट लाते हैं अपनी गाड़ी में, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है क्या नहीं। तो गाइस पहुंच चुके हैं नरवाल और गाड़ी अपनी यहां पे पार्क कर ली है, और देख रहे हो अल्ताफ भाई का सामान आ चुका है। अल्ताफ भाई ये क्या है, जेसीबी के दांत, ये तेरे को मारने के लिए, किसको, मेरे पीछे ही पड़े रहे तू, देख रहे भाई गाड़ी भाई की ना, ये वाली गाड़ी अगर अल्ताफ भाई के पास ना हो तो काम फेल भाई, गाड़ी के टायर डीजल वीजल जो भी है खुद पर्सनल भी यूज़ हो जाती है, आराम से सामान वगैरह भी ले आते हैं, ठीक है सिर्फ ये तोड़ दी इन्होंने, जिस चीज़ के लिए हम आए ना वो वाली चीज़ भी दिखा देते हैं, वो वाली पॉकेट रही भाई की, ये वाली ठीक है, ये वाली चीज़ हम यहाँ से लेके जाएंगे। अभी आप हमारी पावर देखो, बाइक की पावर देखो भाई, बाइक की पावर राजा रवि उठा के रखे है खुद, आराम से तो पैर नहीं, ये अल्ताफ भाई बोल रहा है ना मैं अकेले उठा के रखूंगा, ठीक है। तो गाइस हो चुका अपना काम कंप्लीट भाई, ये वाली बाकेट अपनी रेडी हो गई, देख रहे हो इसमें दांत वगैरह लग चुके हैं, तो अब गाड़ी में रखेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है भाई, देख रहे हो भारी है लेकिन फिर भी आराम से, यार ये हल्का है फिर इसका मतलब, आराम से लटा दो इसको, ऐसे लटा ना ऐसे करके आगे शीशा ना तोड़, तू मत सिखा देखा भाई इंसल्ट कर रहा है, बोल रहा है हमारा रोज का काम है तू मत सिखा, और छोटे हो आप मेरे से यार, आपको सजेशन तो देनी चाहिए भैया, सजेशन देनी चाहिए ना, चले अब चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी के पास।
तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अपने स्टेशन पे, जहां हमने बाकेट वगैरह रखनी थी, मतलब जहां बाकेट वगैरह छोड़नी थी वहां पे पहुंच चुके हैं। अल्ताफ भाई की गाड़ियां ना हर जगह मिलेंगी भाई आपको, यहां पहुंचे तो यहां जेसीबी खड़ा है, तो चलो बाकेट वगैरह यहीं उतारते हैं। देखो भाई नहीं दिख रहा है, भाई बोल रहे हाथ पीछे कर शीशे में देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हैवी ड्राइवर है, नहीं होगा ठीक है। तो भाई दिखा देते हैं आपको इनका जेसीबी वगैरह भी, यहाँ बाकेट उतारनी है। उषा जी बहुत खजल किया आपने, ठीक है बहुत खजल किया। देख रहे भाई ये वाली चीज उतारनी है यहाँ पे, यहाँ खड़ा भाई का जेसीबी। और आगे और आगे और आगे और आगे देख रहे भाई अकेले, वाकई यार मानना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा यार, अगर अकेले रख दी मैं बोलूंगा वाकई अल्ताफ भाई अकेला रखता है। ओ व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। देख रहे भाई वर्क हार्ड, चलो हाँ उतर की चलो, डाला वगैरह बंद करो। हाँ तो भाई चलो चलते हैं आप अपने बादशाह के पास, अब चलते हैं भाई अपने बादशाह के पास। अपने फोन की बैटरी भी डाउन हो गई, अल्ताफ भाई फोन की बैटरी गई। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बादशाह के पास और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर ली भाई, और यहाँ देख रहे हो कश्मीर की कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है, कनवाई लगी है, कनवाई भाई कनवाई यहाँ भी लगी हुई है। देखो अल्ताफ भाई की, अल्ताफ भाई आपके घर के पास कनवाई लगती है कश्मीर में, मिनी कश्मीर। और भाई देख रहे हो कितनी कश्मीर की गाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारी भाई यहाँ खजल है, मतलब चार पाँच दिन हो गए ये मिट्टी भर के आते हैं ना वहाँ से, यहाँ फैक्ट्री है यहाँ खाली करनी है। हाँ तो ये कांटा वांटा करेंगे। और फाइनली गाइस देख रहे हो अपना बादशाह अपने रूप में आ चुका है, अपने असली रूप में आ चुका है भाई। भाई ने वॉशिंग की भाई एक नंबर, मैंने बोला भाई जितना भी टाइम लगे, मतलब दिन के 2 बजे यहाँ गाड़ी लगाई थी, मैंने बोला जितना भी टाइम लगे ना एक नंबर चमकनी चाहिए। अल्ताफ भाई ये अच्छी जगह बताई आपने, ये अल्ताफ भाई हाँ आपका परमानेंट है ना, आपका परमानेंट है ना ये, हाँ भाई का परमानेंट। एक चीज़ रह गई भाई, यहाँ पानी मरवाना है इंजन में, ठीक है वो वाला पानी मरवा के फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई को मैंने बोला ग्रीस कर दो, देख रहे हो भाई दोनों ग्रीस कर रहे हैं, ग्रीस भी अच्छी भाई एक नंबर, ग्रीस बिल्कुल साफ़ है भाई, रेड कलर की ग्रीस, क्योंकि काफ़ी भाई ग्रीस करवाते हैं वो, मतलब पुराने वाली ग्रीस वगैरह कर लेते हैं, और भाई ने जो ग्रीस कर रहे हैं ना वो नई ग्रीस बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा यार। मतलब जम्मू से साइड में एक यहाँ शोर शराबा वगैरह कुछ नहीं है, दूसरी बात है काम भी अच्छा होता है, ग्रीस भी एक नंबर नई, ठीक है। ये बंदों का स्पेशल सर्विस स्टेशन था आज, मुझे भी पता चल गया अब परमानेंट आना है यहाँ पे। भाई जब मेहमान आते हैं ना उनकी सेवा करनी पड़ती है, ठीक है तू घर का बंदा मेहमान है, घर का बंदा हूँ तो भाई सुन लिया क्या बोल रहा है। तो चलो भाई पहले जल्दी जल्दी हो जाए ग्रीस, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। भाई मार रहे इंजन में पानी, भाई भाई यार डायरेक्ट नहीं मारना, नॉर्मल नॉर्मल करके, हाँ ज्यादा ये ज्यादा हो गया, कम कम कम। देखो मरवाना तो पानी नहीं चाहिए क्योंकि भाई इसमें ना सेंसर वगैरह होते हैं वो खराब हो जाते हैं, फिर भी यार मट्टी बहुत ज्यादा है ना, मट्टी निकलनी चाहिए। हाँ भाई को मैंने बोला मोटा मोटा मार दे। भाई देख रहे हो गाड़ी में कितना गंदा पानी निकल रहा है, ये इस बंदे की करामात देख लो भाई, मैंने कभी नहीं पानी मरवाया, देख कितना गंदा पानी निकल रहा है, काला पानी निकल रहा है, धूल मतलब आज ना 2.5 साल की धूल है ना सारी आज ही निकल रही है। वैसे तो मैं डरता हूँ इसी चीज के सेंसर वगैरह खराब ना हो जाए, मतलब फिर भी अल्ताफ भाई ने बोला मरवाना चाहिए पानी है, चलो रेडिएटर साफ हो जाएगा, ठीक है मैंने हवा एक दो बार मरवाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ले जाओ, अभी ले जाओ, अभी नहीं ना 1 मिलियन पे चाहिए, 1 मिलियन में कोई नहीं, 1 मिलियन हो गई, चलो 1 मिलियन किसके, मेरे तेरे या चाचू के, मेरे मेरे या चाचू के, क्योंकि ये कार मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। निकल चुका है इधर से भाई सीधा गैराज के लिए, अब गैराज के सामने गाड़ी लगानी है और रात को देखना है भाई रुकना या नरवाल लेके जानी है गाड़ी, मतलब कहीं ना कहीं रुक जाना है भाई। अभी गैराज वाले साहिल भैया से बात हुई, उन्होंने बोला राजा भाई आप गाड़ी लेके यहाँ आ जाओ और आराम से रात को गाड़ी अपने गैराज के अंदर रखना और आप आराम से घर चले जाना और सुबह ना आप वहाँ से आ जाना,
तो भाई चलो चलते हैं यहाँ से सीधे गैराज के अंदर, वहाँ गाड़ी पार करते हैं। और भाई यहाँ देख रहे हो आज अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं है भाई, अब सुकून मिला जाके। अपने बादशाह को ग्रीस वगैरह भी करवा ली, वॉश वगैरह भी करवा लिया। तो गाइस चलो पहले पहुंचते हैं गैराज के बाहर। तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं भाई और फाइनली हम पहुंच चुके हैं टाटा के गैराज में। थैंक यू सो मच अपने साहिल भाई का जिन्होंने फ़ोन किया और गाड़ी मेरी यहां पर पार्क हो गई, क्योंकि साहिल भाई ने बोला कि रात को ही गाड़ी यहां इंटर कर लो भाई, सुबह रश हो जाएगा। और यहां रहे अपने जेके 12 वाले एक भाई है, इनकी गाड़ी यहां पर देख रहे हो, इस गाड़ी में भी कोई दिक्कत आई, वो चेकअप के लिए आए थे। सिर्फ हमारी दो गाड़ियाँ भाई यहाँ और वहाँ। तो अभी भाई को फ़ोन करेंगे, अगर भाई आए लेने तो चले जाएंगे रात को ही रूम में, वहाँ सो जाएंगे, सुबह आ जाएंगे, नहीं तो रात को गाड़ी में रहना है। तो चलो गाइस पहले गाड़ी की थोड़ी सफाई वगैरह कर लेते हैं भाई, क्योंकि भाई गाड़ी में ना दाग वगैरह लगे हुए हैं। तो कपड़ा वगैरह उठा लिया मैंने, मिरर वगैरह साफ़ कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलना है या रुकना है वो फिर आपको बताएंगे भाई। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं भाई और मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर हूँ भाई। अभी गया था भाई के साथ, भाई अपना डिनर कर लिया, डिनर करके दोनों भाई आ गए इधर, क्योंकि भाई भी अपनी गाड़ी में अकेले और मैं भी अपनी गाड़ी में। भाई मैंने सोचा कि अगर यहाँ से रूम में चले जाएंगे तो भाई रात को वहाँ सोएंगे, सुबह फिर भागना पड़ेगा, इससे बेहतर है रात को गाड़ी में रहेंगे। क्योंकि भाई व्लॉग के लिए काफ़ी भाई एक्साइटेड है, तो व्लॉग भी जो पहले वाला शूट करके रखा हुआ एडिट करके डालना है, तो व्लॉग भी एडिट वगैरह कर लेंगे तो सो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं सुबह इसी कंटिन्यू व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट। I'm